वे मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और मुझे उम्मीद है कि माननीय धारीवाल जी चूंकि कोटा के स्वायत्तशासी नगरीय विकास मंत्री बने हैं तो वह कोटा को पर्यटन नगरी के जोड़ने में इस रोपवे को भी शामिल करेंगे। जो ये मेरा अगला सवाल है कि आप जब UIT चेयरमैन रहे तब भी करप्शन के कई सारे आरोप लगे और पहले भी लगते रहे, तो सबसे ज़्यादा ये आरोप UIT पे क्यों लगा करते हैं? ये स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। सरकार बदलते ही सरकार ने वो सभी पद खत्म कर दिए हैं, यानी उन लोगों को बाहर कर दिया है जो पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। जैसे कि आप जानते हैं इसमें सबसे पहला नाम UIT का आता है। UIT में पहले चेयरमैन थे राम कुमार मेहता जी जो BJP से नियुक्त थे, अब कांग्रेस की सरकार बदली है तो उनकी सेवाएँ समाप्त, कांग्रेस की सरकार आई है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। उनके कार्यकाल में कैसा काम हुआ, उन्होंने कौन कौन सी योजनाएँ UIT को नई योजनाएं दी, कितना विकास हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, इस सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद राम कुमार मेहता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जब आपको UIT मिली थी तो क्या हालत थी उसकी, उसमें कौन कौन सी योजनाएं थी? कोटा UIT चूँकि राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण के बाद सेकेंड नंबर की है और क्षेत्रफल, बजट और विकास की सारे मापदंड कोटा में, राजस्थान में सर्वाधिक महत्व के हैं। जब मैंने 8 जुलाई 2016 को ज्वाइन किया, शपथ ली, तब UIT कोटा में कुछ कार्य ही वर्तमान में प्रगतिशील स्तर पर थे। उसके बाद मैंने ठोस कार्य योजना बनाई और उन योजनाओं के अनुसार मैंने जो जो चीज़ें हाथ में ली उनको मूर्त रूप देने के लिए अमल में लाकर सारी उनकी प्रस्ताव किए, जिसमें मुख्य रूप से सिनातरूम स्टेडियम था जिसमें करीब 19.85 करोड़ रुपए का काम का प्रावधान किया और वह आज पूर्ण हो गया है और उसका लोकार्पण भी हो गया है। गणेश उद्यान निर्माणाधीन था उस समय, तो उस मेरे आने से पूर्व उसका लोकार्पण हो गया था पर वह BJP के शासन में हुआ। इसी प्रकार चंबल नदी के नयापुरा पुलिया का लोकार्पण भी मेरे आने से करीब डेढ़ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। फिर उसके बाद मेरे आने के बाद नॉर्थन बाईपास जो रिंग रोड के रूप में कोटा की एक लाइफ लाइन था उसमें तेज़ी से काम चल रहा था और वो 175 करोड़ की योजना थी और उसमें चूँकि किसानों का मुआवजे का विषय के कारण जो रेलवे लाइन थी उस पर पुल बनना था उसमें गतिरोध आ गया और वह पुल अभी भी अधूरा है और इनका किसानों के मुआवजे का जो प्रकरण है वह न्यायालय में लंबित है। वहाँ से निस्तारण होने के बाद किसानों को जो भी मुआवजा मिल सकेगा उसके आधार पर उसका आगे का कार्रवाई होगी। वह भी कोटा की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। कोटा बैराज के समानांतर उच्च स्तरीय पुल बनवाया जिसमें 58.35 करोड़ की लागत आई और उसका अभी आचार संहिता से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहीं से बटन दबाकर उसका लोकार्पण किया। इसी तरह मुख्यमंत्री जनावास योजना के भी हमने मोहनलाल सुखाड़िया बदाना अफोर्डेबल और कई सारे अफोर्डेबल की स्कीम को मूर्त रूप दिया। लगभग 8,000 मकान EWS LIG के, जो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसी भी गरीब के ऊपर बिना छत के नहीं रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जनावास के जो राजस्थान में कोटा UIT प्रथम स्थान पर है। दादाबाड़ी से केशवपुरा सर्किल के बाद फ्लाईओवर का जो सबसे कोटा की महत्वपूर्ण पुरानी मांग थी और हमारे सांसद ओम बिरला जी और बराबर इसके लिए प्रयास करते रहे हैं, इसको 140 करोड़ रुपए की लागत से हमने प्रारंभ किया। जो दानबाड़ी से प्रारंभ होकर केशवपुरा चौराहे को क्रॉस करता हुआ आगे जाकर वहाँ उतरेगा और उसके बाद जब इस पर यातायात सुगम रूप से प्रारंभ हो जाएगा तब ये कोटा की एक लाइफलाइन बनेगा। ये एक मेरे कार्यकाल की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसी प्रकार रंगपुर आरओबी जो 32 करोड़ का है वर्तमान में प्रगतिशील है, मेरे ख्याल से 1-2 महीने में काम पूरा हो जाएगा और वो भी रेलवे का एक अच्छा ब्रिज कोटा वासियों को, स्टेशन क्षेत्र वासियों को नॉर्थन बाईपास से स्टेशन क्षेत्र को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आपने देखा होगा चंबल नदी के दोनों पुलों के बीच में एक बहुत आकर्षक
श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को स्थापित किए है, इसका मैंने हाथ में लेकर इसको टाइमबद्ध पूरा किया है। ये करीब 1,13,00,000 लागत आई है इसमें, और कोटा की सुंदरता और पर्यटन की दृष्टि से इसका एक विशेष महत्व बनेगा। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो तलवंडी में है, उसमें भी हमने तरणताल का निर्माण करा, अभी निर्माणाधीन है, बैडमिंटन हॉल निर्माणाधीन है, और उसमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक जिम बनेगा, उसका काम भी चल रहा है, कुछ दिनों में भी पूरा हो जाएगा। उसके बगल में स्वामी दयानंद सरस्वती सामुदायिक भवन था पुराना, उसको तोड़कर 3 मंजिला जिसमें अच्छा घराती और बाराती रुक सके और सुंदर व्यवस्था के साथ उसको आधुनिक सुविधाओं से युक्त बना रहे हैं, वो भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक योजनाएँ हैं। स्मृति वन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जो वन विभाग के साथ MOU करके देवली अरब रोड से रायपुरा रोड के बीच फॉरेस्ट की जो लैंड थी जो बेकार पड़ी हुई थी उसमें फॉरेस्ट से MOU किया है, और उसमें करीब 13.55 करोड़ की लागत से वर्तमान में तेज गति से उसका काम चल रहा है। कुछ दिनों बाद वो एक महत्वपूर्ण कोटा के लिए पर्यटन के रूप में उसका विकास होगा। इसी प्रकार डेजर्ट पार्क का विकास का हमने योजना बनाई, वहाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा स्थापित की है और उसका लोकार्पण भी हो गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण मेरे कार्यकाल की उपलब्धि है। एरोड्रम सर्किल पे भी मेरा एक निजी विचार था, जिसका मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि फ्लाईओवर बने, यातायात से यहाँ मुक्ति मिले, और उसकी सारी हमने रोड मैप तैयार कर लिया था, DPR बना ली थी, पर चूँकि वो स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ में ले लिया, स्मार्ट सिटी ने अपने जिम्मे लेकर इस फ्लाईओवर को पूरा करने का दायित्व लिया था, इस वजह से स्मार्ट सिटी को ट्रांसफर होने की वजह से उस काम को मैं शुरू नहीं कराया। ये मेरी कार्यकाल की थोड़ी मुझे कमी अखरती रहेगी। कोटा बिराज के समीप पार्क का एक बहुत सुंदर निर्माण, जो नीचे पुल बनाया उसके नीचे जो जगह है जहाँ चंबल माता की मूर्ति भी लगाने का था, और वहाँ एक सुंदर पार्क जो लोगों को एक पर्यटन के रूप में आकर्षित कर सके। ऐसे ही एक लेजर शो, गणेश उद्यान के समीप एक लेजर शो का भी मेरा एक विजन था, उसको भी 4 करोड़ रुपए की लागत से मैं पूरा करना चाह रहा था। एक रोप वे मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, और मुझे उम्मीद है कि माननीय धारीवाल जी चूँकि कोटा के स्वायत्तशासी नगरीय विकास मंत्री बने हैं, तो वह कोटा को पर्यटन नगरी के जोड़ने में इस रोपवे को भी शामिल करेंगे। कुनाड़ी शमशान मोक्ष धाम में भी एक बहुत सुंदर 6.5 करोड़ रुपए का हमने प्लान करके उसका रोड मैप बनाकर उसकी शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक फ्लाई ओवर बनाने की योजना थी, पर वो चूँकि वहाँ थोड़ा काम पिछड़ गया इसलिए वो पूरा नहीं हो सका। आपने देखा होगा साजीदड़ा नाले को भी मेरा बहुत सुंदर द्रव्यवती नदी के तट पर विकसित करने का विजन था, और वह तो वो चूँकि बजट के अभाव में हम नहीं कर पाए, लेकिन दोनों तरफ हमने उसके प्लांटेशन डेवलप करके आपने अभी देखा तो एक सुंदर प्लांटेशन के लिए तैयार किया है, और वहाँ वो काम अभी पूरा होने की स्थिति में है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नयापुरा में बनने की एक योजना थी, वो भी काफ़ी उसका काम पूरा हो गया है, और शीघ्र उसके टेंडर होने की उम्मीद है। इतने काम आपने करवाए हैं, आपने और भी मैं आपको बताऊं कुछ महत्वपूर्ण काम। इसी तरह GAD सर्किल से लेकर घटोत्कच सर्किल तक 26 करोड़ की एक ऐसी हरितिमा पट्टी का सुंदरीकरण का विकास की योजना हमने 26 करोड़ की लागत से बनाई थी। GAD सर्किल से घटोत्कच सर्किल, हाँ, करीब 2.5 किलोमीटर की पट्टी है, और उसमें उदयपुर के कंसल्टेंट ने सारा प्रोजेक्ट तैयार करके हमने टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे, पर चूंकि एक सिंगल टेंडर आया था इस वजह से वो टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ। अब दोबारा उसके टेंडर लगाएंगे और उसका काम होगा। इसी तरह DCM रोड को स्मार्ट रोड के रूप में डेवलप करने के लिए भी सारी प्लानिंग कर रखी है। छत्रपति शिवाजी पार्क उद्योग नगर थाने के बीच में भी वर्तमान में काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, कुछ ही दिनों में वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार ओपन MP थिएटर हमने सैनिकों की गतिविधियों को आम जन को देखने के लिए, और हमारे वीर जो शहीद सपूत हैं उनकी वहाँ 6 कृतियाँ लगे ऐसा ओपन MP थिएटर वहाँ निर्माणाधीन है, भी वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। द्रोणाचार्य सर्किल जो गोबरा बावड़ी सर्किल के रूप में जाना जाता था, वो गुरु द्रोणाचार्य सर्किल में जहाँ अर्जुन और गुरुद्वारा तीर चलाते हुए एक विशेष मुद्रा में वहाँ दिखाई देंगे। इसी प्रकार वीरांगना हाडी रानी सर्किल आपने देखा होगा वो डेवलप हो गया है और लोकार्पण भी उसका हो गया है, बहुत सुंदर चौराहा बना है। सुभाष नगर चौराहे पर सौंदर्यकरण के उसका नाम रखा है सुभाष सर्किल, इसको भी डेवलप किया है। इधर से श्री राम सर्किल है,
विश्वकर्मा सर्किल है और बेटी गौरव सर्किल, इसका भी काम निर्माणाधीन है और कुछ ही दिनों में सारे जब चौराहे कंप्लीट होके पूर्ण हो जाएंगे तो कोटा का एक आकर्षण बनेगा। क्योंकि कोटा में ये मुकुंदरा नेशनल पार्क विकसित होने के बाद और शेर शेर निकायां धार सुनाई देने की वजह से कोटा पर्यटन के रूप में तेजी से विकास करने की ओर अग्रसर है। गरड़िया महादेव का स्थल जो कर्व है चंबल नदी का, और भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में जल बिजली उपलब्ध है, ब्रॉडगेज लाइन है, एयर कनेक्टिविटी भी भविष्य में होगी। हमने नए मास्टर प्लान 2031 जारी किया है, उसमें 800 बीघा जमीन शंभूपुरा में आरक्षित की है और नया मास्टर प्लान में कोटा को 119 राजस्व गांव के रूप में मिले हैं। अब कोटा चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और मेरे कार्यकाल में मैंने लगभग 800 से 900 करोड़ की योजनाओं को मूर्त रूप देके विकास कार्य कराए हैं, जिसमें गली गली में भी विकास कार्य सीसी रोड ये चल रहे हैं और जब काम पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कोटा एक नए स्वरूप में नजर आएगा। और मेरी एक कल्पना रही है कि जब कोटा पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान बना लेगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से कोटा को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो मिलेगी सही, इसके साथ साथ हमारे यहाँ व्यापार उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा और ये 4 लेन जो कोटा की ओर से दरा की ओर जाता है जो मुकुंदरा नेशनल पार्क से जोड़ेगा, उस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ेगी और कोटा में पर्यटन विकास से आम आदमी की आय में इजाफा होगा और हमारी जो पहचान अभी शैक्षणिक नगरी के रूप में है उससे हटकर एक पर्यटन नगरी के रूप में भी बनेगी। आपने गिनाए इतने सारे काम हैं, कुछ ऐसे काम जो आपके बहुत करीब रहे हों, जिन्हें आप दिल्ली जिसे कहते हैं कि मैं इसे करवाना ही चाहता था, वो अधूरे रह गए हों आपकी कार्यकाल खत्म? मेरे सारे कामों को, पूरी प्रोजेक्ट को पूरे दिली इच्छा से जोड़कर सारों को तैयार करा के और उनके डेमोस्ट्रेशन करा के DPR बना के कंसल्टेंट्स के माध्यम से उनको फाइनल करके जो जो भी हाथ में लिए वो सब काम स्टार्ट हो गए हैं और प्रगतिशील हैं, कुछ ही दिनों में वो मूर्त रूप लेकर आने वाले समय में कोटा को समर्पित होंगे। अगर समय मिलता थोड़ा सा और तो कुछ क्या नया चीज करते? और नई चीज़ें जैसे ट्रैफिक से निजात मिलाने की व्यवस्था के बारे में, जहाँ कहीं भी ट्रैफिक से संबंधित जो योजनाएं थी उनको अमल में लाते, जैसे ये अपने एरोड्रम सर्किल का फ्लाई ओवर भी पूर्ण होता और 80 फीट रोड जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसमें वो भी करीब 15 करोड़ की लागत से बन रहा है और उसमें भी 4 लेन के रूप में दोनों तरफ बनेगा और नयापुरा से लेकर हमारा 4 लेन बाईपास तक जो CC रोड का करीब 40 करोड़ का काम भी ये वर्तमान में चल रहा है और कंप्लीट हो गया है लगभग, और कुछ दिनों बाद उसमें वर्तमान ही आता है तो प्रारंभ हो ही गया है और उसका लोकार्पण होना बाकी है। मैंने सभी डिवाइडरों को जो कोटा में प्रवेश करने वाले सबको प्लांटेशन डेवलप करके उनसे जोड़ा है ताकि कोटा में जो भी प्रवेश करे उसको कोटा शहर एक स्मार्ट शहर के रूप में नज़र आने लगे। और चूंकि मैं स्मार्ट शहर सिटी में भी वाइस चेयरमैन का दायित्व था तो जो अभी आपने देखा होगा नए बस स्टैंड लग रहे हैं और CNG बसें भी उसके माध्यम से लेंगे, दशहरा मैदान को प्रगति मैदान की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और भी कई सारी योजनाएं जो हाथ में ली वो भी आगे बढ़ रही है। अच्छा, जो ये मेरा अगला सवाल है कि आप जब UIT चेयरमैन रहे तब भी करप्शन के कई सारे आरोप लगे और पहले भी लगते रहे, तो सबसे ज़्यादा ये आरोप UIT पे क्यों लगा करते हैं? ये लोगों की गलत धारणा है। हमने किसी भी कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की हुई, एकल खिड़की की व्यवस्था है, हमने कुछ सेवाएं ऑनलाइन प्रारंभ कर दी थी जैसे लीज की है, नाम ट्रांसफ़र का है और कई सारी चीज़ की सेवाएं ऑनलाइन प्रारंभ करने से ये संदेश देना चाहते थे कि लोगों को घर बैठे काम की सुविधा मिले और बाबू से संपर्क नहीं करके अधिकारियों से संपर्क करें। अब लोग सीधे जाकर बाबुओं से या किसी प्रकार से संपर्क कर लेते, उसका हमारी जानकारी जो भी हमारे पास आया जो हमारे हमने काम को उसको तत्काल निष्पादन करने के प्रयास किए और जहाँ तक समझता हूँ मेरे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई। आपके विरोध की जहाँ तक बात करें तो इवन कांग्रेस के कार्यकर्ता या लीडर्स ने आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी के ही लाड़पुरा विधायक भवानी सिंह राजावत जिसे हमेशा कुछ ना कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का हमारा तो मंतव्य जो 4 विधानसभा क्षेत्र नगर विकास न्यास कोटा के क्षेत्र में आती है, सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए चाहे हमने कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
सभी का कोटा की विकास योजनाओं को शामिल करते हुए हर क्षेत्र के विकास को हाथ में लिया। और ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कोटा के विकास की और उनके क्षेत्र के विकास की बात करते थे, उनके क्षेत्र के विकास को भी हमने उच्च प्राथमिकता से लेकर सारे काम पूरे किए। जो वर्तमान में बड़े बड़े काम आपके सामने, शिवाजी पार्क है, स्मृति वन है, ये सब बड़े बड़े काम, 80 फीट रोड है जो चल रहे हैं, ये लालपुरा विधानसभा क्षेत्र के, ऐसी कोई बात नहीं। वो उनके जो भी जानकारी में लाया जाता उसको प्राथमिकता से पूरे करते थे। आमरी रोजिट क्षेत्र अभी जहाँ 2 महीने पहले हिंसा भी हुई अतिक्रमण हटाने में, वहाँ को लेके फिर उसके बाद आपने क्यों किया? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात देखी गई कि चुनाव के बाद आचार संहिता लगते ही वहाँ अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए थे तो बात अधिकारियों पे चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो मुकुंद्रा योजना है, आवासीय योजना, वह कोटा हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और उसके विस्तार के लिए जो उससे जड़ी लगी हुई जमीन थी उस पर छुट मुट वो थे, अतिक्रमण कोई ज़्यादा अतिक्रमण नहीं था। उसको हटाना, चूँकि हमने योजना बनाकर उसकी प्लांटिंग कर दी थी और उसकी मार्केटिंग के लिए भी हमने लॉन्च कर दी थी, तो वो अतिक्रमण हटाना जरूरी था ताकि लोगों को ये संदेह जाए कि भाई ये अतिक्रमण मुक्त स्थान है। और वह बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी मुकुंद्रा आवास योजना थी और उसके तहत कोई ऐसा सामान्य बात है, अतिक्रमण हटाना रोज का काम है यूआईटी का, और जो तो कहीं विरोध भी होता है तो होता है, उसका सामना करते हैं, उसका सामना। तो धर्मपुरा बंदा की तरफ भी आप अतिक्रमण नहीं हटा पाए? नहीं, जहाँ जहाँ सामने शिकायतें हैं हमने सब जगह का समान रूप से अतिक्रमण हटाया, ऐसी कोई बात नहीं, हम कहीं रुके नहीं, शिकायत का हमने त्वरित समाधान किया। अच्छा, तो अब यूआईटी के जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनमें आपने एक नाम लिया कि दादावाड़ी से केशवपुरा सर्किल का फ्लाईओवर, वो 10 सितंबर को पूरा होना था ऐसा स्थानीय विधायक ने कहा था, लेकिन वह हमारी प्राथमिकताएं थी कि जल्दी से जल्दी वर्तमान जो पहले सरकार थी उसी के कार्यकाल के दौरान पूरा हो जाए। लेकिन चूंकि अब बीच में रेत की कुछ समस्याएं रही, कुछ कंपनी के भी उसमें टेक्निकली कुछ इस तरह के नए तरह का उसमें डिजाइनिंग था, और कंपनी का ऊपर जहाँ से भी उसको सपोर्ट मिलता है वहाँ से भी थोड़ा सा डिले हुआ, इस कारण से डिले हुआ, और अब जल्दी पूरा हो जाएगा। आपने नादन बाईपास का नाम लिया, नादन बाईपास की जो स्केचिंग थी वो एक बार बनाई गई, फिर डिस्टर्ब की गई, फिर उसको एस के शेप में बनाया गया, तो ये एस के शेप में बनाने का क्या लॉजिक था? ये चूंकि हमारा प्रोजेक्ट नहीं था, ये मोर्थ का प्रोजेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। यूआईटी तो एक इसको कार्यकारी संस्था के रूप में काम कर रही थी, और उसका मोर्थ के द्वारा हमें उचित पारिश्रमिक यूआईटी को दिया जाता था, और हम उसका सुपरवाइजर एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे। जो भी डिजाइन मोर्थ करती थी वो फाइनल डिसीजन वो करते थे, वही लागू होते थे। तो यूआईटी उसमें कोई ज़्यादा टेक्निकली हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 2.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, सफल मानते हैं? मेरे जीवन का एक बहुत ड्रीम पीरियड था ये, जो मुझे पूर्व में, चूंकि मैं 27 साल में भारतीय जीवन बीमा विकास अधिकारी के रूप में भी काम कर चुका हूं, और मेरे जीवन की मैंने जहां से प्रारंभ किया छात्र जीवन से, सबसे पहले 1981 में मैं झालावाड़ राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से मेरे छात्र संघ का शपथ समारोह हुआ था। तब से ही मैं उनके जीवन से प्रेरणा मिली और मुझे जीवन में कुछ न कुछ आगे बढ़कर करने का संकल्प रहा, और मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में भी 27 साल तक नंबर 1 पूरे अजमेर डिवीजन में लगातार रहा, उत्तरी भारत में रहा, ऑल इंडिया में मेरी 3री-4थी पोजीशन रही। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भी मैं कई बार विदेश यात्राएं कराई गई, कोटा में मैं सैलरी क्लास में सबसे अधिक करदाता भी रहा, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मेरा सारा बैकग्राउंड को देखते हुए इस पद के योग्य समझा और दायित्व दिया, और मैंने 2.5 वर्ष तक कोटा की जनता की सेवा की और कोटा के विकास को हाथ में लेकर एक कार्य योजना बनाकर उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया। वो मेरे 2.5 साल के टेन्योर का सबसे मेरा ड्रीम का कार्यकाल रहा। 1600 वोटों से जीते थे छात्र संघ चुनाव आप, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। उस समय भी लोगों का ऐसा प्यार था और ऐसा माहौल बना कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों के वहाँ झालावाड़ कॉलेज में छात्र अध्ययन करते थे वो लगभग उनकी 80% संख्या थी, तो हमने ग्रामीण छात्र परिषद गठित करके प्रथम बार सब लोगों को एक सूत्र में बांधा, और ग्रामीण क्षेत्र से मैं पहला छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया वहाँ। वह एक मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक यूनिक शुरुआत थी।
अच्छा, तो मतलब जिस फील्ड में रहे वहाँ एक या दो पोजीशन पे कभी अध्यक्ष रहे वहाँ भी, या इसके अलावा भी और कई सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। मेरे समाज का भी अखिल भारतीय किराड़ सत्य महासभा, जिसमें शिवराज सिंह जी भी हमारे समाज से आते हैं, 10 साल तक मैं नवरूप मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में अखिल भारतीय किराड़ सत्य महासभा का मैं 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आध्यात्मिक पर्यावरण विकास समिति इसी सेक्टर तलवंडी में भी 2000 से अब तक वर्तमान तक में लगातार अध्यक्ष हूँ, चौथा कार्यकाल है मेरा। राजस्थान ओबीसी विकास मंच जो 2006 में गठित हुआ था उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किराड़ विकास समाज ट्रस्ट का भी मैं अध्यक्ष हूँ। मैं कोटा जिला सहकार संघ में भी डायरेक्टर रहा। मेरी मिसेज भी कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर रही। मेरे पिताजी भी 84 साल की उम्र में कृष्णानंद गोशाला खानपुर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी 150 गांव जोड़ रखे हैं, 20,000 सदस्य बना रखे, वो भी पूर्व सरपंच भी रहे हैं। और भी कई संस्थाओं का मैं अध्यक्ष हूँ। तो अच्छा, आपने नाम लिया शिवराज सिंह चौहान का। ये चर्चा कुछ समय के लिए आम रही कि आपकी नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री की, लोगों का सोचना उनका, चूंकि शिवराज सिंह जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है इसलिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने इस योग्य समझ के नियुक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो 1 महीने बाद जब बात हुई जब पता चला था, पर लोगों का ऐसा उनसे जुड़ा होने के कारण सोचना था, ये उनका अपना सोचने का विवेकाधिकार है। वर्तमान में कितना कर्ज है यूआईटी के ऊपर? जब आपने वर्तमान में हमने मेरे कार्यकाल में हमने 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया। पूर्व का जो कांग्रेस के कार्यकाल में लिया हुआ कर्ज था उसकी 25 करोड़ रुपये साल की हम किस्त का भुगतान भी कर रहे हैं। कितना कर्ज था कांग्रेस का? उसका करीब करीब 700-800 करोड़ रुपए का कर्ज जब रविंद्र त्यागी जी थे उस समय। तो अभी फिर आपने अपने कार्यकाल में उसको इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे भरा? वो तो बराबर जो इंस्टॉलमेंट उस समय निर्धारित को लगातार भुगतान कर रहे हैं, उसका कोई बकाया नहीं, किसी तरह का डिफॉल्टर नहीं हुआ थी। तो अब कांग्रेस की सरकार भी आ गई है, धारीवाल जी यूडीएच मंत्री भी हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हीं का कोई ना कोई आदमी यूआईटी चेयरमैन के पद पे बैठेगा। तो अब क्या दायित्व तो आप देखते हैं उनके प्रति, क्योंकि मंत्री भी हमारे यूडीएच ही हैं कोटा के। भाई कोटा के यूडीएच मंत्री होने के नाते मैं मानता हूँ कि माननीय धारीवाल जी का ये मंतव्य रहेगा कि कोटा पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाए, और चूंकि उनके पास सारे अधिकार हैं और कोटा को जिस रूप में भी वो नई योजनाएँ हाथ में लेकर लाएंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, पूर्ण होगी। कई सारे लोगों का कहना है कि अब राम कुमार मेहता जी प्रदेश स्तर का या कोई पद या फिर भाजपा में जिला अध्यक्ष का पद ऐसा कुछ मिलने। मैं छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी आदेश देगी सबसे छोटे कार्य के लिए भी उसको करने के लिए हम तैयार हैं। आने वाले अभी लोकसभा चुनाव 2019 हमारे सामने है, उसकी तैयारी के लिए हम पद दायित्व को छोड़कर पूरे प्राणपण से उस चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं और उसको जीत कर उसके बाद ही हम केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उनकी सरकार बनेगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, कोटा दक्षिण में इस बार संदीप जी 7,500 वोटों से जीते, जो कि बहुत कम अंतर है, हमेशा यहाँ से 20,000 के ऊपर अंतर रहा, तो आपको नहीं लगता कि आपसी भीतरघात इस बार दक्षिण में बहुत रहा? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे राजस्थान में जब थोड़ा सा एंटी इनकम टैक्स के रूप में जो थोड़ा सा रुझान था लोगों का, इस वजह से मतों में थोड़ा विभाजन हुआ और कुछ कैंडिडेट भी ज़्यादा खड़े हुए। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव में हम पुरानी ताकत के साथ 50,000 से अधिक मतों से कोटा दक्षिण की सीट में फिर जीतेंगे। तो अब एक्स यूआईटी चेयरमैन राम कुमार मेहता जी की दिनचर्या क्या रहा करती है जब वो फ्री हैं काम से? दिनचर्या मेरी पूर्व में भी इस पद पे आने से पूर्व भी मेरी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रहती थी और करीब 100-150 लोगों से जब तक दैनिक रूप से मुलाकात नहीं हो जाए जब तक मन भरता नहीं है, और वही दिनचर्या अब भी वर्तमान में मेरी जारी है और मैं उससे भी अधिक मुस्तैदी से काम करने की कार्य योजना बनाकर उसको अमल में लाऊंगा। अपने कार्यकाल को लेकर कोटा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हर व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति दायित्वाधीन रहे और अपने कर्तव्यों को समझे। कोटा को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए जो आम जन का नागरिक का कर्तव्य है, ट्रैफिक नियमों का पालन, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और स्वच्छता के लिए गंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके उसको नियंत्रण में लाना, और जहाँ कचरा पात्र हों या गंदगी एकत्रित करने के ही स्थल हों वहीं जाकर उसको बनाए रखना। कई लोग इसमें संस्थाएं भी अपने अग्रणी रूप में काम कर रही हैं और निश्चित रूप से आम जन की पहल के साथ ये सब आने वाले समय में जो कोटा स्मार्ट शहर के रूप में पूरे देश में नहीं विश्व में अपना स्थान बनाएगा। जी,
तो ये थे एक्स यूआईटी चेयरमैन राम कुमार मेहता जी, जिन्होंने हमें पूरे तरीके से गिनाया कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे प्रोजेक्ट थे जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, वो या तो इन्होंने पूरे कर दिए या फिर इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने शांति धारीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि वो यूडीएच मंत्री बन गए हैं, तो अगर कोई उनका शख्स यूआईटी पे बैठता है तो उसी तरीके से विकास कार्यों को चालू रखे जैसा इन्होंने किया है। इसके अलावा कांग्रेस का कुछ कर्जा भी था जिसे भी इन्होंने निपटाया। कोटा शहरवासियों से राम कुमार मेहता जी की अपील है कि कोटा शहर को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।